काशी में होने वाली विश्व प्रसिद्ध माँ गंगा की आरती 32 वर्षों में चौथी बार दिन में हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु व पर्यटक इस पल के साक्षी बने और दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे। गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध माँ गंगा की आरती चंद्रग्रहण से पूर्व सूतक काल के कारण दोपहर 2:30 पर प्रारंभ हुई, 3:30 पर संपन्न करा दी गई। चंद्रग्रहण के कारण वाराणसी में होने वाली विश्व विख्यात माँ गंगा की आरती का समय बदला गया और दोपहर में माँ गंगा की आरती की गई। यह ग्रहण आधी रात के आसपास भारत के सभी स्थानों पर दिखाई देगा। ग्रहण की अवधि 1:19 रहेगी। ग्रहण का उपछाया चरण 1 बजे शुरू होगा। 29 अक्टूबर को यह 2:24 पर समाप्त होगा। खगोली घटना के अनुसार चंद्रग्रहण पूर्णिमा का दिन होता है। जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के ठीक बीच में स्थित होती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा की सतह पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा की सतह धुंधली हो जाती है और कभी कभी कुछ घंटों के दौरान चंद्रमा की सतह एकदम लाल हो जाती है। जो है वो रात्रिकालीन 1:03 से लेकर 2:23 तक चंद्र ग्रहण है और सूतक काल जो है वो 4:03 से सूतक काल लग जा रहा है। तो ऐसी पौराणिक मान्यता है कि सूतक काल में और ग्रहण में कोई भी पूजा पाठ का काम नहीं होता है। इसको मद्देनजर रखते हुए ये 32 वर्षों में चौथी बार ऐसा हो रहा है कि जबकि माँ गंगा के आरती का जो समय है उसका परिवर्तन हुआ है। दोपहर 2:30 से होकर 3:30 तक आरती संपन्न हो जाए ताकि सूतक काल से पहले सारी चीज़ें अपने परंपरागत रूप से जिस तरीके से होता है उसी तरीके से संपन्न हो जाए।